चालू है, चालू है। सो यो 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 एजे इज बैक विद अ न्यू वीडियो। धूम धड़ाक अपना एक नंबर एजे देखने वाला पब्लिक एकदम कड़क कड़क और ज्यादा कड़क है, तुम लोग हद से ज्यादा कड़क है, क्योंकि इतना प्यार इतना सपोर्ट कौन करता है भाई। हद से ज्यादा सपोर्ट करते हो तुम लोग, ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूंगा और मचाते रहूंगा, ठीक है। एंड रही बात इतना टाइम से मैं कहां था, बहुत बड़े बड़े बोल बच्चे देखे गया था ना मैं लास्ट वीडियो में, मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालूंगा और डेली वीडियोस बनाऊंगा, ट्राई करूंगा, राइट, ये सब बोल बोल के गया था मैं, चूरन दिया था बड़े बड़े, पता है हो गई गलती मेरे से, क्या करूं, उसके लिए बस इतना ही बोलूंगा सॉरी। एंड रीजन ये था कि थोड़ा टाइम शेड्यूल और घर पे प्रॉब्लम चल रहे थे मेरे और काजल के, तो इस चक्कर में मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा था, क्योंकि काजल के घर पे भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे और मेरे घर पे भी, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी मैं ट्राई करूंगा इतना, बट प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं हमेशा वीडियो डालूंगा, बट ट्राई करूंगा हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियो डालूं, 100% दूंगा वीडियो डालने का, क्योंकि इतना सपोर्ट दे रहे हो तुम लोग के, तुम लोगों को नाराज नहीं करूंगा, नाराज नहीं करना है अभी नाराज तो नहीं करना है अभी आप लोगों को, बस अभी वीडियो डालना है एंड मचाना है, ठीक है। तो आज का व्लॉग बेसिकली ये रहने वाला है, क्योंकि मुझे ना एक इन्विटेशन आया था बैक बेंचर कैफे, वो घाटकोपर में लोकेटेड है, तो कैफे से कुछ याद आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया था बहुत पहले, जिसने नहीं देखा है ना तो तुम लोग देख लेना मेरे चैनल पे जाके, मैंने एक ब्लॉग बनाया था बिगेस्ट बर्गर का, तो वैसा कुछ फूड ब्लॉग वापस कर रहा हूँ मैं इस ब्लॉग में, तो मैंने सोचा चलो मुझे इन्विटेशन भी आ चुका है तो अभी जाते एंड फूड ब्लॉग करते हैं, क्योंकि फोर्थ टाइम हुआ मैंने फूड ब्लॉग नहीं किया था, तो अभी जा रहा वहाँ पे और फूड ब्लॉग करते हैं। एंड मैं सब एड्रेस वगैरह उस कैफे का एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बस खाली डिस्क्रिप्शन खोल के देखना है एंड सपोर्ट करना है सबको, कुछ खाया भी नहीं था इन्विटेशन मिला ना, जहाँ पे फुकट की चीज मिलती है पहले पहुंचते हम लोग ऐसा नहीं है गाइस, मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो सब समझेंगे कितना भुक्कड़ है ना, बहुत बड़ा खाने की चीज मिली तो एजे पहला भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इन्विटेशन आया था कि बहुत टाइम से कि एजे भाई आओ जरा आके टेस्ट करो, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए मैं नहीं जा पा रहा था, तो अभी फाइनली टाइम मिला है तो मैं जा रहा हूँ और ब्लॉग शूट करूंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा, तो देखो तो चले अभी तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो 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 लेट्स गो। सो गाइस फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ, तो आज मेरे धन्नो से नहीं जा रहे, आज जाएंगे चीता से, एंड ये है लाला, लाला मतलब इसका असली नाम गोविंद है बट हम लोग लाला बोलते हैं, मेरे यहाँ पे रहता है, इसने मेरे को इसने इन्विटेशन दिया था कि बैक बेंचर का करो, बैक बेंचर कैफेटेरिया, बैक बेंचर कैफेटेरिया सब डिटेल्स है दूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखना ध्यान से, ठीक है। अभी ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, अभी चलते हैं, ठीक है। अभी बहुत मास्क वेस्क पहन लिया, सेफ्टी इंपॉर्टेंट, भाई ने भी पहन लिया, अभी हेलमेट पहन लेगा, तो अभी सीधा निकलते हैं, ठीक है, देखना पूरा, जाना नहीं, भूख लगेगी तुम लोग को भी, जाना नहीं, ठीक है, चलो गाइस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बैक बेंचर्स, ये बैक बेंचर्स का ज़्यादा सूट होता है मेरे को, पता क्यों, क्योंकि मैं स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में भी ना पीछे बैठा था, ऑफिस से भी जाता था कहीं पीछे बैठता, तो मेरे को बैक बेंचर्स वो वर्ड चला बहुत पसंद है, क्योंकि टीचर लोग बहुत चिल्लाते थे बैक बेंचर्स का फ्रंट, वो चिल्लाते थे, बट अभी ये नाम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है एंड पॉजिटिव वाइब जा रहा है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वाइब जा रहा है, जनरली पॉजिटिव वाइब जा रहा है। अभी देखते हैं अंदर जाके, एंड इसने मेरे को बुलाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान ये थे और उनके भाई ने बुलाया था, तो अभी उनका इंट्रोडक्शन में देता हूँ अंदर जाके, तो और भूख भी लगी, बहुत ज़्यादा तगड़ी भूख लगी, मुझे कुछ खाया नहीं घर पे, सपोर्ट मत करना, मैं इतना लंबा आया हूँ तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए, राइट। तो अभी अंदर जाते हैं उनसे मिलाता हूँ, वैसे भी देख सकते हो अंदर यार शील प्लेस लग रहा है, बहुत शील, तो अभी अंदर जाते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। सैनिटाइजर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भाई विवेक भाई, एंड इनको इसको तो बता चुका हूँ मैं कौन है, लाला, लाला। तो अभी गाना क्यों बंद करने बोला, क्योंकि पता है ना कॉपीराइट पड़ेगा, इश्यू हो जाएगी, चैनल उड़ सकता है तो चैनल उड़ाना मेरे को। चलो अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ इनका और कैफे के बारे में, क्योंकि
क्योंकि मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से इन्विटेशन दे रहे थे आ जाओ करके, तो अभी फाइनली टाइम मिला तो आया हूँ। एंड अभी इंट्रोडक्शन एड्रेस वगैरह मतलब एड्रेस तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बट जिसके मुँह से सुनोगे ना वो बेटर होगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो अभी इनको बुलाते हैं बाहर, आ जाओ आप तस्वीर बाहर रखो एंड बताओ मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले मेरा कैमरा सेट करते हैं, किधर का कैमरा सेट करूँ? एक मिनट चलो, रुको रुको, सेट है, सेट है, सेट है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक भाई लाला, और तुम्हारा नाम क्या? लाला। इनको भी देख लो, तुम्हारा नाम भी लाला। लाला 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 लाला, दो दो लाला है यहाँ पे। लाला स्क्वायर, लाला स्क्वायर, लाला टू, लाला टू। तो गाइज सबसे पहले नाम तो बता दिया, अभी मेरे मुझसे नहीं सुनेंगे, अभी इनके मुझसे सुनेंगे इनके कैफे के बारे में। थोड़ा आगे आते, हाँ तो मास्क निकालो, चेहरा तो निकालो पूरा। हाँ हाँ, चलो आप अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ इनको अपने कैफे के बारे में और कहाँ पे एड्रेस है एंड सब डिटेल बताओ। कि सबसे पहले मेरे को ना, मैंने देखा भी आपने सैनिटाइज किया, हाँ सैनिटाइज किया इन्होंने, सैनिटाइज करना ये मैं एक मिनट मेरे को पूछना था कि आप फेक तो नहीं कर रहे थे कैमरे को देख के कि सैनिटाइजर करना कंपलसरी है, कोरोना का टाइम है ये, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, आप भी कहीं से आ रहे हो क्या है, इसलिए सैनिटाइज करना सबसे कंपलसरी है। एग्जैक्टली, तो सैनिटाइज करते हो ना? हाँ। एंड क्राउड होता है तो कैसे एडजस्ट करते हो? क्राउड होता है तो हमने बाहर भी सीटिंग रखा हुआ है। बाहर भी है? हाँ। अच्छा, वो चेयर लगा के रखा हुआ है, सीटिंग ज्यादा क्राउड होता है तो हम लोग बाहर भी अरेंज करते हैं। ये कैफे में 8 जन का जगह है पर हम लोग 4 जन को ही बिठाते हैं सिर्फ, फिर उसके बाद में थोड़ा बाहर सीटिंग करते हैं, फिर वो बाहर भी सीटिंग का अरेंजमेंट किया है, टेबल लगाया है। रात इवनिंग में ज्यादा क्राउड होता है, हम लोग पूरा कारपेट वगैरह लगा के बाहर पूरा सीटिंग करते हैं। वाओ नाइस, देख रहे हो? तो मेरे को ना ये बोलना नहीं, बाहर खाना अलाउड नहीं है बोलना नहीं, मेरे को पहले ही बोल रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ। तो एड्रेस का बताओ, एड्रेस क्योंकि मेरे को तो लंबा नहीं पड़ा, क्योंकि मैं सेंटर उसमें रहता हूँ एंड ये मेरे यहाँ पे रहता है, तो मेरे को डायरेक्ट लेके आ गया। एंड अगर कौन बाहर के घाटकोपर के बाहर से, तो उनको आना कैसे आ सकते हैं, और जो घाटकोपर में है वो भी पता चला कैसे आ सकते हैं? बहुत ही नजदीक है ये स्टेशन के, यहाँ से स्टेशन 1 मिनट के वॉकिंग भी नहीं है, सामने स्टेशन के सामने शॉप है घाटकोपर पटेल चौक, स्टेशन से बाहर निकलते 1 मिनट वॉकिंग पे शॉप है बैक बेंचर्स कैफेटेरिया। बैक बेंचर्स नाम अच्छा लगता है, अभी बैक बेंचर्स से पहले, हाँ हाँ देखा, बैक बेंचर्स वाले लाइक ठोको ठोको लाइक ठोको। तो अभी ये हो गया बैक बेंचर्स कैफे के बारे में एंड इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है गाइस, इंस्टाग्राम का पेज मैं लिंक में दे दूंगा, ये तो डिस्क्रिप्शन में खोल के देख लेना, उनका लिंक है तो जाके फॉलो करो और प्यार दो थोड़ा, जैसे मेरे को देते हो ना प्यार, इनको भी दो। एंड एड्रेस सब डिस्क्रिप्शन में, सब सब सब, ठीक है? ज्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ खाते फोन कर लेंगे। तो पहले मेरे को बताओ क्या खिलाओगे आप, आपका मेन्यू बताओ। ओहो, ये वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा, उल्टा दिख रहा है नहीं सीधा, ये वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड क्या स्विगी जोमेटो भी है? हाँ। ओके, जो यहाँ पे आ नहीं सकते वो घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वाह, यस, शायरी शायरी कर रहा हूँ आजकल शायरी। तो गाइस अभी मेन्यू के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत कि मेरे को क्या खिलाने वाले, अभी बताओ आपके हिसाब से बताओ, क्योंकि मेरे को मेन्यू मेरे को कभी भी नहीं आता, मैं जब भी गर्लफ्रेंड के साथ जाता हूँ ना तो मेन्यू देखता नहीं, क्योंकि वही डिसाइड करते, क्योंकि मेरे को जमता नहीं मेन्यू जो देखना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जूस। ओके एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बोलोगे अकेला बड़बड़ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जूस, सैंडविच, मोइटो, रफेल, बर्गर, कोल्ड कॉफी, गार्लिक ब्रेड, चीज ब्लास्ट, फ्रेंच फ्राइज, आइस टी, मैगी, मीट आइसक्रीम, ये पूरा डेजर्ट आइटम है, सिर्फ फालूदा, क्रशर, ब्राउनी, हॉट ब्राउनी, मिल्क शेक, काफी सारी वेराइटी है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है? आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा फ्रेंच फ्राइज से। फ्रेंच फ्राइज ये बहुत ही कॉमन है सब जगह पे, मैं समझ सकता हूँ ये सब शॉप पे फ्रेंच फ्राइज बहुत कॉमन हो चुका है थोड़ा। आप फ्रेंच फ्राइज यहाँ का ट्राई कीजिए, ओके, सब जगह पे और यहाँ पे बहुत फर्क है। मैं आपको ट्राई करने वाला हूँ चीज कॉर्न नगेट्स फ्राइज। क्या बात है, चीज चीज, उसमें चीज कॉर्न होगा, नगेट्स होंगे, चीजी नगेट्स होंगे, फ्राइज होगा, तो ये सब जगह पे नहीं मिलता। आप यहाँ का ट्राई करके देखिए। चलो डन, आप बोल रहे हो तो डन, नाराज मत करना। तो अभी खाते एंड मास्क निकाल दो, खाने का टाइम तो कैसा खाऊंगा। तो अभी पहले क्या करेंगे, मैं थोड़ा बहुत तुमको सिनेमैटिक दिखाता हूँ भाई, थोड़ा इंटीरियर दिखाता हूँ, उसके बाद जहाँ पे बनने वाला है ना
वहाँ का रूबरू कराऊंगा, थोड़ा टेस्ट तुम लोगों को भी दिखाऊंगा, चलाऊंगा तुम लोगों को भी। अगर नहीं होता ना खाने के लिए तुम लोग देखो वीडियो में और चलो। ठीक है, अभी थोड़ा सिनेमेटिक दिखाता हूँ, तो उसके बाद अभी कैसा बनने वाला है मेरा फ्राइज। खाली फ्राइज ही खिलाओगे क्या? नहीं, फ्राइज के बाद में भी आइसक्रीम में आपको खिलाऊंगा मैं, डेथ बाय चॉकलेट है, फिर फालूदा में, फालूदा भी, फालूदा पंजाबी फालूदा। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है फालूदा, मेरे को उतना पसंद नहीं, बट फालूदा है, मैं कभी कभी खाता हूँ, बट मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार मम्मी को लेके आऊंगा, मेरे गर्लफ्रेंड को भी लेके आऊंगा, वो देख रही है अभी बैठे बैठे, बट लेके आऊंगा उसको भी। यहाँ का फालूदा जबरदस्त है, पंजाबी फालूदा रेट क्वांटिटी क्वालिटी तीनों चीज मैटर करता है, तीनों बहुत ही रीजनेबल बहुत ही अच्छा है। हाँ प्राइस देखा मैंने, प्राइस बहुत रीजनेबल है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्राइस भी सब बता दिया, बहुत रीजनेबल है। मैं बोल रहा था ये बोल रहा, मैंने अभी देखा आंखों से और इसके लिए बोल रहा, मैं अभी झूठी चीज़ें को प्रमोशन नहीं करता, बट मैंने देखा प्राइस रीजनेबल है, आराम से पेट में खा सकते हो। अभी थोड़ा बहुत अभी सिनेमेटिक दिखाता हूँ तुम लोग को, एंड देखो एंजॉय करो और डायरेक्ट जाएंगे किचन एरिया में और क्या बनता है मेरे लिए देखते हैं। चलो देखो गाइस, देखो अपना फ्राइज और नगेट्स, क्या बात है नगेट्स, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो ये अपना फ्राइज है, देखो आहा नगेट्स, ये क्या भाई, चीज सॉस, हाँ चीज, ये देख रहे हो चीज, देख रहे हो आहा, पानी आ रही है मुझसे पानी भाई, जल्दी करो थोड़ा भूख लगी। तुम लोग सोचते रह रहे कितना बड़ा भूख कड़े है, जल्दी करो बोल रहे हैं। ये क्या सॉस है? चिली सॉस। ओहो हो भाई, मोटा करके भेज रहे हो क्या आज? ओहो देख रहे हो गाइस, एक नंबर लग रहा है मेरे को, तो एक नंबर लग रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मेरे को जेन्युइनली एक नंबर लग रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जेन्युइनली झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि पहचान वाला है तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट फर्स्ट टेस्ट में मैं फूड रिव्यू तो करता नहीं जल्दी, बट मैं तो बट फूडी भी हूँ, बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे फर्स्ट टेस्ट में पता चल रहा है लाइक बहुत चीज़ी है एंड बहुत यूनिक टेस्ट आ रहा है। भाई क्या है, दिल जीत लिया, मैं जेन्युइनली दिल जीत लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा, फुकट का प्रमोशन नहीं कर रहा एंड फेक प्रमोशन भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरे यहाँ पे रहता है, मेरा फ्रेंड है, तो जो भी है, बट मैं ऐसा तारीफ करूँ ऐसा कुछ नहीं, बट जेन्युइनली बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, देख सकते हो। तो अभी नगेट्स ट्राई करते हैं, इसमें नगेट्स भी है, और नगेट्स ना, नाम सुन के मुझे पानी आ रहा है ना, तुम लोग पता मेरे को, नज़र मत मारा, नज़र मत लगा। तो ये नगेट्स, जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब देखो तो अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट टाइम ना लेके आऊंगा, काजल को जरूर लेके आऊंगा यहाँ पे, और मम्मा भी आएगी ना, कि फालूदा भी आता है, तो मम्मा को भी लेके आऊंगा। एंड ये पहले जिसने मेरा दिल जीत लिया, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत टेस्टी लग रहा है यार, अभी मैं खा रहा हूँ, तो आप लोग नेक्स्ट डिश के बारे में अभी बात करेंगे, पहले खा लेता हूँ, कंप्लीट रहता हूँ, ठीक है करूँ कंप्लीट रहता हूँ। देखो देखो तो मैं कंप्लीट करके
उसके बाद पूरा तो जाएगा नहीं, क्वांटिटी भी दिख रहा है आप लोगों को, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, पूरा तो जाएगा नहीं तो भी अपन ख़त्म करेंगे, बुक्कड़ है अपन ख़त्म करते बराबर तो देखो तो गया फाइन नहीं ख़त्म तुम सोचते रहे कैसा रहेगा भाई पूरा खा लिया अकेले कैसे ही हो खा लेता सोचता नहीं मैं किसी में नहीं सोचता हाँ हो गया फाइनली इतना भर के दे दिया चेरुली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी था मेरा पेट भर गया अभी है खा सकता इतना है खा सकता हूँ मैं आया हूँ तो टेस्ट करके जाऊँगा और क्या अभी टेस्ट करेंगे क्या सुनाई नहीं दिया सॉरी किटकैट वफल क्वांटिटी ज़्यादा है पॉकेट वफल है वो क्वांटिटी ज़्यादा ही आपकी इतना हाँ, छोटा बोल के ना इतना मेरे को छोटा रहेगा क्वांटिटी बट वो ज़्यादा क्वांटिटी था और पेट भर गया दो जन आराम से खा सकते थे दो जन आराम से खा सकते हैं मेरे हिसाब से तो क्योंकि मैं इतना खाने वाला इंसान मेरे को हो रहा नहीं था पेट भर गया था मेरा क्योंकि चीज़ इतना एंड क्वांटिटी क्वालिटी बहुत अच्छी अभी वैफल खिला रहे हैं भाई खिला रहे वेट बढ़ा के मेरे रखते हैं इतना मेहनत करो बॉडी बना रहा और चलो ठीक है अच्छी चीज़ मिलकर बुरा खा लेगा अच्छा से खा लेगा अभी वैफल बनाते हुए दिखाएंगे आपको तो देखो लेट्स गो भाई हमारा वेफर रेडी हो रहा है माँ कसम चॉकलेट दिख रहा है आप लोगों को चॉकलेट मेंटेन हो रहा है तो जज मत करना मेरे को अभी खाता हूँ ठीक है खा रहे तो यार खा देखो पूरा अभी बाकी है ब्लॉग कब खत्म नहीं हुआ ये ब्लॉग पूरा बाकी है तो देखना तो खाने दो मेरे जेन्युइनली बहुत टेस्टी है बहुत चॉकलेट है यार बहुत चॉकलेट है बहुत ज़्यादा मजाक नहीं कर रहा हूँ मजाक ज़्यादा से नहीं कर रहा हूँ तो अभी खा लेता हूँ पूरा उसके बाद मिलता हूँ बहुत टेस्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी है हो गया आपका खत्म खा रहा हूँ इतना क्वान्टिटी दिया है ना बस क्या बोलूँ मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ इतना ऑलरेडी प्राइस में थक गया हूँ मैं और बाकी है और बाकी है और बाकी है अभी और बाकी और नहीं बोल नहीं नहीं यहाँ का जो स्पेशल फालूदा है पंजाबी फालूदा वो तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा तो क्या बोलते हो गाइस ट्राई करूँ थोड़ा सा देना क्योंकि फालूदा इनका मैंने फोटो देखा था विशेष बताया था बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी इतना क्वान्टिटी वैसे अभी जाएगा नहीं थोड़ा सा क्वान्टिटी में बाकी कैसा लगा ये सब टेस्ट और ये जेन्युइनली बहुत एक नंबर मेरे को स्पेशली ये और प्राइस बहुत टेस्टी लगा मैं अभी अभी आपके जो भाई है उनसे वही बोल रहा था कि मैं गर्लफ्रेंड को लेके आऊँगा यहाँ पे लेके ज़रूर आऊँगा किसी को लेकर लेके आऊँगा मैं बट खिलाऊँगा मैं ये ट्राई करा और बाकी सभी चीज़ ट्राई कराऊँगा आपको बहुत टेस्टी बोला ट्राई करो क्वान्टिटी क्वान्टिटी ज़्यादा मैं क्वांटिटी क्यों कम करने वाला हूँ ना ऐसा कोई इंसान नहीं है पहली बार जो क्वांटिटी कम कर रहा है बट मैं ऑलरेडी मैं फूल हो चुका हूँ तो इसके लिए क्वांटिटी कम रखने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट के लिए थोड़ा खा लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल हो गया हूँ एंड बहुत टेस्टी है अभी फालूदा टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद एंड करेंगे ठीक है देखो तो ये था गाइस पंजाबी फालूदा पंजाबी फालूदा
क्वांटिटी देखा तुम लोगों ने सिनेमैटिक में क्वांटिटी दिखाया वो ज्यादा क्वांटिटी इतना भर के ड्राई फ्रूट डाल दिया इतना मतलब देख के यार तब टेस्ट और पेट भर जाता है यार तो थैंक यू सो मच इसके लिए और जो जो आपने खिलाया उसके लिए थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा और यहाँ का वाइब्स है ना गाइस यहाँ का वाइब्स बहुत चील है मतलब तुम लोग बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा चील है क्योंकि ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहो तो थोड़ा चील प्लेस है तुम लोग आ सकते हो बिंदास कभी भी एंड प्राइस की बात करते हैं इसका प्राइस क्या है 130 और आपने जो प्राइस लिया था उसका 130 ठीक है 130 में इतना भर के कभी सोचा है 130 में इतना सस्ता में खाने मिलेगा सस्ता पेड़ भर के नहीं ना यहाँ पे मिलता है तो मेरे हिसाब से आप आओ यहाँ पे एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है और सब मेन्यू का डिटेल्स यहाँ पे दे दूंगा देखो यहाँ पे आ जाएगा आ रहा है हाँ यहाँ पे मेन्यू का डिटेल्स है कितने का प्राइस है चीप प्राइस है एंड अच्छा क्वांटिटी अच्छा क्वालिटी है आप आओ बड़ा ही नहीं मारूंगा इस बैक बेंचर्स की कि मैं झूठी तारीफ नहीं करूँगा जेन्युइनली बहुत अच्छी जगह आप आओ यहाँ पे और खा के देखो मजा आएगा किसी के साथ भी आ सकते हो गाइस मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला हूँ मतलब किसके साथ भी आ सकते हो तो आओ यहाँ पे फैमिली के साथ गर्लफ्रेंड के साथ भाई के साथ किसी के साथ भी आना है यहाँ पे आके चिल करो खाओ पियो पेट भरो और अच्छी अच्छी बातें करो और इनका इंस्टाग्राम का पेज डिस्क्रिप्शन में है एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है तो आओ और मिलो भाई से मिलो और ये लाला स्क्वायर लाला विवेक भाई आओ मिलो और सबसे पहले ना बेको ना मैं कितने बार भी खाने का ट्राई करा था ना देख के फेस से ना मास्क निकलते देखा नहीं हूँ एक बार निकाल दो चेहरा निकाल दो पूरा पूरा कैप ही निकाल दो हाँ तुम ही निकाल दिया इसको देखा है राइट और ये लाला स्क्वायर नहीं दिख रहा ना इसको ही बुला देता हूँ इधर आओ तो थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच वेलकम जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा मैं आपको कैसा लगा मैं आया था बहुत अच्छा लगा खुद की तारीफ पूछना पड़ता है थोड़ा कैसा लगा सबको अच्छा लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना तो इसी बात पे लाइक कर देना उनका इंस्टाग्राम का पेज भी शेयर कर दो और कमेंट कर दो बताओ मेरे को कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दो ठीक है अभी चलते अभी खाता हूं पोस्ट कर रहा है एक नंबर एजो को सब्सक्राइब कर दे हां ये बोलना जरूरी था अभी मैं खा लेता फटाफट क्योंकि फिगर रहा है और खा के पर चाय से पहले एक बार इसका रिव्यू दे दो छोटा सा मेरे को तो अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है बहुत जनरली बहुत अच्छा है भगवान की शपथ आई ची शपथ देवाची शपथ सिगरेटची शपथ बट जनरली बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है तो अभी इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे तो जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो हो सके तो शेयर कर दो और की आई डी एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है तो जाके देख लेना ठीक है आप लोग भी बोल रहे सब्सक्राइब करते हैं बात सुन लेंगे आपकी पंजाबी फालूदा बैक बेंचर्स सो बी सेफ एंड बी अलर्ट ड्यू टू कोरोना हां नहीं तो कोरोना आंटी घूम रही पकड़ लेगी मार अभी भी लॉकडाउन खुल गया इसका मतलब ये नहीं कि करोना आंटी घर पे मार रहे घूम रही है तो चलो जाता हूँ एंड कर रहा हूँ बाय